सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा सहारनपुर द्वारा अभियुक्तों पर धरपकड़ अभियान के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर अभिमयू मांगलिक सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी प्लाट दिखाकर फर्जी विक्रेता व्यक्ति तैयार कर फर्जी बैनामा कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो नफर अभियुक्त आसिफ पुत्र आदिल निवासी पाक वाली मस्जिद न्यू सम्राट विक्रम कॉलोनी खाताखेड़ी थाना मंडी सहारनपुर व जीशान पुत्र इनाम निवासी मोहल्ला कैलेंडर बख्श टोपिया सराय थाना मंडी सहारनपुर को फर्जी मोहर व फर्जी कागजात के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा दो प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करते हुए मेहताब पुत्र शौकत अली निवासी कलसिया रोड खाताखेड़ी थाना मंडी सहारनपुर तथा दूसरी प्रॉपर्टी में अब्दुल कलाम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मोहल्ला शीराजान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को विक्रेता के रूप में उपस्थित करके संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गयी, जबकि जांच के दौरान पाया गया कि मेहताब व अब्दुल कलाम नाम का कोई भी व्यक्ति उपरोक्त पते पर नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य कितनी प्रॉपर्टियां इस प्रकार बेची गई है उनकी जांच तथा और कितने अभियुक्त शामिल है सभी की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर ये बता दीजिए थाना मंडी क्षेत्र में क्या सफलता मिली है पुलिस को और कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या इनका अपराधी? जी, थाना मंडी में इस महीने जनवरी में दो मुकदमे लिखे गए थे, 4/23 और 6/23। दोनों में मॉडस ऑपरेंडी सेम थी और सिमिलर अभियुक्त थे। दो कंप्लेनेंट आए, उन्होंने बताया कि उनको एक ऐसी ज़मीन का बैनामा कर दिया गया जो जो ओनर उनको दिखाया गया था उस ओनर की वो ज़मीन थी ही नहीं। तो ये दो प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पर, आसिफ और जीशान, ये इसी तरह का काम कर रहे थे। भोले वाले जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे उनको एक ज़मीन दिखाते थे, उसकी जो पिछली रजिस्ट्री है उसमें मालिक का नाम चेंज कर देते थे, उसी मालिक को, फर्जी मालिक को खड़ा करते थे रजिस्ट्री ऑफिस में और इनके नाम पर रजिस्ट्री करा देते थे। इसमें इसकी आड़ में पैसे ले लेते थे, ना उन्हें कब्जा मिलता था ना उन्हें ज़मीन मौके पर मिलती थी। तो यह दोनों काफ़ी टाइम से एक हरकतें कर रहे थे, अभी इनमें मुकदमा लिखवाया गया और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जब ये रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री करते थे लेकिन उसका कंप्यूटराइज डाटा है उसमें तो पुराने मालिक की ही फोटो आएगी, तो ये फोटो कैसे करते थे? नहीं, इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कोई इनसे मिला हुआ है या किस तरह इसमें धांधलेबाजी है जिसमें ये कामयाब हो पाए, उसकी जांच होगी, विवेचना होगी, जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। कितने बैनामे कर चुके हैं, कितने लोगों को? अभी दो मुकदमे सामने आए हैं, तो दो मुकदमे में दो बैनामे इन्होंने किए हैं, तो पूछताछ की जाएगी। अगर और बैनामे भी ऐसे पाए जाते हैं, एक्चुअली और कंप्लेनेंट आए नहीं है तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं इन्होंने दो ही बैनामे किए हैं। ये ख्याल इनके मन में आया कैसे कि ये फर्जी नामा करके इस तरह से पैसा अमीर बन सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी डीलिंग में काफी टाइम से काम कर रहे थे, उसी टाइम अगर इन्होंने लगा होगा कि लालच इनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचा इस तरह भी बैनामे किए जा सकते हैं। यह अभी तक दो लोग पकड़ में आए हैं, इसमें जो फर्जी लोग उन्होंने खड़े किए हैं हमने उनकी भी शिनाख्त काफ़ी हद तक कर ली है और उनको भी पकड़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ेगा विवेचना का, उसमें हम बाकी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। ये क्या संभव है कि रजिस्ट्री ऑफिस से कोई ना कोई व्यक्ति मिला होगा तभी ये फर्जी नामा कर पाते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी चीज़ें कुछ निकल के आती हैं जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत पाई जाती है या फिर किसी भी सरकारी मुलाजिम की मिलीभगत पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, दूसरा खुलासा इसके एक साल एक महीने में हो रहा है, तो लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी, जैसे मैंने बताया, जब भी आप सबसे पहले तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके मालिक से और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर और किसी समझदार वकील से एक बार सलाह मशवरा कर लें कि जो प्रॉपर्टी उनको दिखाई जा रही है उसका टाइटल क्लियर है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और जिन लोगों के साथ खरीदारी कर रहे हैं वो भी विश्वसनीय हो। इनका क्या पहले कोई अपराधी इतिहास भी है? जी नहीं, अभी तक ऐसी अपराधी इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।